Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दस करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया। मादरे वतन के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म यौमे दिफा पर कौम जोशो जज्बे से सरशार मज़ारे कायद पर पुरवकार तकरीर पाक फिजाइया के कैडेट्स ने फराइज संभाल लिए मज़ारे इकबाल पर भी गार्ड तब्दील रेंजर्स के दस्ते ने ड्यूटी संभाल ली नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में भी तकरीर पेशावर के कर्नल शेर खान स्टेडियम में भी यौम दिफा पर तकरीब जंगी साजो सामान की नुमाइश गिजर में कारगिल के हीरो लालक जान शहीद निशान हैदर के मजार पर तकरीब पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी 6 सितंबर का दिन पूरी दुनिया को हमारी खुददारी और जिंदा कौम होने का एहसास दिलाता है शहदा और गाजी हमारा सरमाया है पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन और वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का यौम दिफा पर पैगाम पाकिस्तान के दुश्मन जान ले उनका बारूद खत्म हो जाएगा लेकिन पाक फौज के जवानों की छातियां कम नहीं होंगी आर्मी चीफ का यौम दिफा के मौके पर पैगाम दुश्मन जो मशरक में है या मगरब में है वो ये मेरी बात जान लें कि उनके बारूद और गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन हमारे जवानों की छातियां खत्म नहीं होंगी इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सफीरों की 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज मलीहा लोधी वीडियो लिंक के जरिए ब्रीफिंग दे रही हैं। शरीफ खानदान का मुस्तकबिल क्या होगा कौन कौन से रेफरेंसेस दायर किए जा सकते हैं नैब दहशतगर्द तंजीम अंसारुल शरिया का सरबरा डॉक्टर अब्दुल्ला हाशमी कनीस फातिमा सोसाइटी कराची से गिरफ्तार मुलजिम ने दहशतगर्दों को अफगानिस्तान और वजीरिस्तान में तरबियत दिलवाई डिफेंस में प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मफरूर दहशतगर्द अब्दुल करीम सरोज का करीबी साथी गिरफ्तार सरोज 2013 में अफगानिस्तान गया था मुलजिम का इंकशाफ सिंध हाईकोर्ट आईजी सिंध के तबादले से मुतालिक दरखास्त पर फैसला आज सुनाएगी हुकूमत सिंध एडी खाजा के तबादले के लिए पुरुमी का शिकार हो सकता है सेक्रेटरी जनरल अक्वामी मुतहदा एंटोनियो गुतेरेस की अपील हाइड्रोजन बम का तजुर्बा अमरीका के लिए तोहफा था दबाव डाला तो मजीद तोहफे देंगे शुमाली कोरिया के सफीर की जनेवा में तनीजिया गुफ्तगु रूसी सदर कहते हैं शुमाली कोरिया के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का कोई फायदा नहीं होगा शुमाली कोरिया के अवाम घास खाकर गुजारा कर लेंगे मगर एटमी प्रोग्राम तर्क नहीं करेंगे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान शगुफ्ता अंदाज ट्रंप से मुतालिक सवाल पर कहा मैं डोनाल्ड ट्रंप का शौहर नहीं ना ही वो मेरी बीवी है невеста мне, я ему тоже не невеста, не жених. Мы занимаемся государственной деятельностью.